नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के 48 बीएलओ को हटाए जाने पर विधायक वासुदेव देवनानी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव की संभावित हार से बौखला गई है और अब सरकारी मशीनरी का नियम विरुद्ध उपयोग कर रही है। बीएलओ के हटाए जाने के आदेश को निरस्त करने की मांग को लेकर देवनानी ने जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित और चुनाव आयुक्त को लिखित में शिकायत दी है। आपको बता दें, देवनानी ने बुधवार को पत्रकार वार्ता कर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के 194 से 48 बीएलओ को हटाकर उनकी जगह नई बीएलओ नियुक्त करने के मामले पर कहा कि प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई बिना सोचे समझे और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लिए बिना अंजाम दी गई है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया की प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयुक्त को दी गई शिकायत में देवनानी ने कहा कि आखिर मतदाता सूची पर आपत्तियां और निस्तारण की प्रक्रिया फिलहाल जारी है और ये प्रक्रिया अलग अलग क्षेत्रों में नियुक्त बूथ लेवल ऑफिसर के माध्यम से की जा रही है। आगे देवनानी ने कहा कि जिन 48 बीएलओ को हटाने के आदेश अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर द्वारा जारी किए जा रहे हैं, वो पिछले काफी वक्त से अपने क्षेत्र की मतदाता सूची पर काम कर रहे हैं और आखिर समय में इन्हें हटाकर नए बीएलओ की नियुक्ति करने से अंतिम मतदाता सूची तैयार होने में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। देवनानी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं के इशारों पर इन बीएलओ को हटाकर नई नियुक्तियां की गई हैं, जबकि नए नियुक्त बीएलओ संबंधित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और मतदाताओं के आंकड़ों से भली भांति परिचित भी नहीं है। अब ऐसे में मतदाता सूची की तैयारी पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है और बड़ी संख्या में मतदाताओं के मतदान से वंचित होने की भी आशंका बन गई है। आगे देवनानी ने कहा कि नए नियुक्त बीएलओ हाल ही में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अपना स्थानांतरण करवाकर अजमेर आए हैं, जिनके राजनीति रूप से प्रभावित होने की पूरी संभावना है। जिला निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयुक्त को दी शिकायत में देवनानी ने आगे कहा कि चुनावी प्रक्रिया का वक्त नजदीक आने के साथ ही अचानक से 48 बीएलओ को हटाकर नए को नियुक्त करना चुनावी प्रक्रिया में संदेह भी उत्पन्न करता है कि क्या किसी क्षेत्र विशेष के मतदाताओं को के नाम हटाने और ज्यादा संख्या में नाम जोड़े जाकर जिसमें कि मतदाता के विपरीत रूप से प्रभावित किया जा सके। ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में बीएलओ को बदलना किसी को राजनीति विशेष को लाभ दिलाने के लिए किया जा रहा है। देवनानी ने आगे कहा कि कुछ वक्त पहले कांग्रेस के प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता ने उत्तर विधानसभा क्षेत्र के 16,000 मतदाताओं के नाम सूची में से कटवाने का दावा भी किया था और अब इन बीएलओ को हटाने के आदेश निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया में संदेह पैदा करता है। देवनानी ने आदेशों को तुरंत निरस्त करने की मांग की और ऐसा नहीं होने पर संवैधानिक कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी। देवनानी ने अधिकारियों से कहा कि सरकारें तो आती और जाती रहेंगी, अधिकारी निष्पक्षता और पारदर्शिता से काम करें, अन्यथा उनको गंभीर परिणाम भविष्य में भुगतने पड़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।